हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा, डिस्कस करने वाले हम वीटी स्टोन, जो हमारा ब्रिज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3, जो हमारा फिजिक्स क्लास 12th में जो है ना, उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो है किरचॉफ और उसके दोनों लॉज के बारे में डिस्कस किया था, तो वीटी स्टोन में भी किरचॉफ के लॉ का थोड़ा सा यूज़ है और उसी की हेल्प से हम इसके डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वीटी स्टोन ब्रिज के बेस पे उनको सॉल्व करेंगे आज इसी वीडियो में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीटी स्टोन ब्रिज होता क्या है। सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको इस साइड में एक फिगर दिखाई दे रही होगी जिसमें एक सर्किट है, एक नेटवर्क है आपका ए बी, जो हमारे पॉइंट है ए से शुरू हो रहा है, बी पे जा रहा है एंड देन बी से सी और नीचे एक डी पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। ए और सी जो है हमारे कनेक्टेड है यहाँ पे एक बैटरी से जिसका ई एम एफ आपको ई दिया हुआ है। साथ ही साथ जो बीच में आपको रेजिस्टेंसेज नजर आ रहे होंगे पी क्यू आर और एस, चार रेजिस्टेंसेज जो हैं इस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं चार आर्म्स में एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स पे। तो चलिए समझते हैं पहले होता क्या है। व्हाट इज वीटी स्टोन ब्रिज? इट इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा? फोर रेजिस्टेंसेज यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ देम जो है रेजिस्टेंस क्विकली। मतलब आपको अगर चार रेजिस्टेंस कुछ इस पैटर्न में नजर आ रहे हो किसी भी डायग्राम में, जो कि किरचॉफ वाला क्वेश्चन होगा अगर, देन आप उसमें से कोई सा एक रेजिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हो अगर आपको तीन अलग अलग रेजिस्टेंसेज आपको दिए हुए हैं एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग। मतलब आप उसको क्विकली और एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो जो रेजिस्टेंस आपका अननोन है, ठीक है। इस मेथड को सबसे पहले जो है एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था, सर चार्ल्स एफ वीटी स्टोन, उसने इसको 1843 में इसको बताया था भाई कि इस तरीके से अगर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंसेज हैं, कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस और तीन नोन रेजिस्टेंस और वो एक इस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है इसका नेटवर्क में, तब हम उसमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। वीटी स्टोन ब्रिज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ब्रिज कैलकुलेट्स द अननोन रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग टू लेग्स ऑफ ब्रिज सर्किट, वन लेग इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ अननोन सर्किट। भाई इसका ध्यान रखना है, अगर आपके इस तरीके से डायग्राम कहीं नजर आ रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। लेट के आपका अननोन रेजिस्टेंस अगर एस है तो उसी केस में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम इसको फाइंड करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है वीटी स्टोन ब्रिज। तो भाई ये एक अरेंजमेंट होता है चार रेजिस्टेंस का, जो इस तरीके से डिटरमाइन करने के लिए कि अननोन रेजिस्टेंस अगर उसमें लगा हो कोई तो ईजिली फाइंड हो सके, ठीक है भाई। तो डेफिनेशन आपके सामने है, आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीन शॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि कंस्ट्रक्शन, भाई किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखे हैं। भाई वीटी स्टोन ब्रिज के अंदर क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेज, ठीक है। इसके अंदर चार रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे, चारों के चारों कनेक्ट है फोर आर्म्स में, ठीक है, कनेक्टेड टू फॉर्म द आर्म्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। भाई एबीसीडी अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई? क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें चार साइड्स हो और उसके अगर चारों कोनों पर हम अलग अलग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें तो इस तरीके से एक अरेंजमेंट हमारे पास मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर एक बैटरी को भी कनेक्ट कर दें जिसका ई एम एफ जो है ई है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, तो भाई ए और सी के साथ अगर हम एक बैटरी को भी कनेक्ट कर दें तो हमारे पास एक कुछ अरेंजमेंट इस टाइप की बन जाएगी। और साथ ही साथ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी। भाई जो मेरी बी और डी आर्म है इसके बीच में एक देखो आपको गैल्वेनोमीटर नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को एक कनेक्ट किया हुआ है जिसमें करंट पास हो रहा है आई जी। द करंट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसी के ऑर्डर में जो है करंट भी चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वीटी स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है भाई? सबसे पहले भाई जब हम वीटी स्टोन पढ़ रहे थे तो हमें पता होता है कि चार रेजिस्टेंस होते हैं उसमें और एक फाइंड करना होता है। तो भाई कब ऐसी कंडीशन कब हमें ऑप्टेन होगी? भाई ये ऑप्टेन होगी कब, जब हम इसको समझेंगे थोड़ा सा। भाई द वीटी स्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में जो हमारा डिफ्लेक्शन जो सुई बताएगी वो हमेशा जीरो पे होगी, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा सर्किट में। दैट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इक्वल। अगर हमारे रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो एंड नो करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट, सर्किट में कोई करंट ना फ्लो हो रहा हो, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन द ब्रिज इज इन एन अनबैलेंस्ड कंडीशन। नहीं कि भाई यहाँ पे अनबैलेंस कंडीशन है, वो ऑलरेडी होगा नॉर्मल कंडीशन में वेयर करंट फ्लोस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जबकि करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा होगा नॉर्मल कंडीशंस में। बट ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस कब होगा? व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब करंट कोई भी गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं हो रहा होगा।
दिस कंडीशन कैन बी अचीव बाई एडजस्टिंग द नोन रजिस्टेंस एंड वेरिएबल रजिस्टेंस। भाई आप इसको क्या करोगे, आप एक नया अननोन रजिस्टेंस ऐड कर दोगे उसमें, बाकी तीन जो है नोन रखोगे, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो भाई आपको डायग्राम में भी जो है पीछे नजर आ रहा होगा कि भाई चार रजिस्टेंस जो हमारे पी क्यू आर और एस हैं, अगर मुझे इस तरीके से अरेंज करके दिए जाएं, तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि पी अपॉन क्यू, दैट इज देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है पी अपॉन क्यू, जो मेरा रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर अपॉन एस के। ठीक है भाई, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो अगर मुझे यहाँ से एस फाइंड करना होगा तो मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्यू इंटू आर अपॉन में पी। तो एस की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ क्यू आर अपॉन पी से। तो इस तरीके से हम जो है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की हेल्प से। नेक्स्ट स्लाइड, भाई डेरिवेशन कैसे होगा इसका। भाई देखो हमें नजर आ रहा होगा डायग्राम में भी ध्यान से देखेंगे अगर, तो भाई यहाँ पे जो है हमारे दो लूप हैं, किरचॉफ में भी तो लूप चलाए थे हमने, तो वैसे ही सेम इसमें भी लूप करेंगे। भाई लूप वन एक और एक लूप टू, एक हमारे पास लूप जो है वन ये है हमारा, और लूप सेकेंड हमारा इधर है राइट साइड में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किधर, पहले वाले लूप में, पहले वाले लूप का नाम क्या है भाई, लिखेंगे हम इन लूप, लूप का नाम क्या है ए बी डी ए। ठीक है भाई, ए बी डी ए। अगर आप ए से शुरू करोगे बी पे जाओगे, फिर बी से शुरू करोगे डी पे आओगे, और डी से शुरू करोगे ए पे जाओगे, तो आपको नजर आ रहा होगा कुछ करंट जो है, लेट से देखो ए पॉइंट पे आगे जब करंट आ रहा था नीचे से, आई आ रहा था करंट सर्किट में। ठीक है भाई, इसको समझ लेंगे एक बार जरा, जो करंट नीचे आई आ रहा है हमारा, इसको हटा देते हैं एक बार जरा भाई, सबको हटाने के बाद एक बार फिर से देख लेते हैं जरा। यहाँ पे हमारे पास जो करंट नजर आपको आ रहा होगा भाई, हमें लूप चलाना कुछ इस तरीके से, पहले वाले लूप की अगर हम बात करें शुरू वाले की ए बी डी ए की, तो भाई करंट इसमें आई आ रहा था जो कि ए पॉइंट पे आके ब्रेक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाता हूँ, तो ये ब्रेक जो होगा आई वन और आई टू दोनों का सम आई के इक्वल होगा। अब जो ये आई वन है इसको आगे पी में जाने के बाद ये बी पॉइंट तक रीच करेगा, एंड देन कुछ करंट जो है गैल्वेनोमीटर की तरफ चला जाएगा, जिसको मैं आई जी बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, आई जी करंट जो है गैल्वेनोमीटर में चला गया, और जो रिमेनिंग है यानी कि आई वन में से जो आई जी माइनस करके आया वो मेरा क्यू में चला गया। मीन्स बचा हुआ जो करंट है आई जी अगर इसमें जी में पहुंच गया है, तो जो रिमेनिंग करंट है आई वन माइनस जी वो जाएगा क्यू में, और सी पॉइंट तक ही एज इट इज चलता रहेगा। साथ ही साथ नीचे जब ये डी पॉइंट पर पहुंचेगा आई जी, तो ये आई टू जो कि ऑलरेडी आर में पास होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये डी पॉइंट पर आके मिल जाएगा आई टू के साथ, और आई टू प्लस आई जी जो है मेरा करंट डी पॉइंट से निकलेगा, और यह एस में पास होता हुआ सी पे पहुंच जाएगा। अब सी पे दोनों आई वन माइनस आई जी और आई टू प्लस आई जी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आई जी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आई वन प्लस आई टू जो कि हमारे किसके इक्वल है आई के। तो इस तरीके से करंट जो है सर्किट में पूरा का पूरा घूम जाएगा, और इस और वापस से जो है बैटरी में करंट आई पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हम बात कर रहे थे लूप नंबर वन की। लूप नंबर वन हमारे केस में लूप नंबर वन कौन सा है भाई, पहला वाला ए बी डी ए। तो ए बी डी ए में जब मैं सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, पहला हमारे पास करंट है आई वन जो कि पी में पास हो रहा है, पी एक रेजिस्टेंस है, तो आई वन इंटू पी प्लस, अब आई जी किस में पास हो रहा है, देखो आई वन तो जब पी में चला गया, अब आई जी किस में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा जी में, तो देन आई जी के साथ जी की मल्टीप्लाई हो जाएगी आई जी इंटू जी। देन आई टू जो है, अब देखो यहाँ से रिवर्स आ रहा है लूप के अकॉर्डिंग, ये रिवर्स कंडीशन है भाई, उधर से आई टू आ रहा था, बट हम जो लूप में जा रहे हैं हम जा रहे हैं क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज अगर हमारा लूप है तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस आई टू इंटू आर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो एक कंडीशन हमारे पास ये बन गई। अगर मेरा दूसरा लूप जो है हमारा राइट साइड में जो लूप है उसे भी मैं इसी तरह से चलाने की कोशिश करूँ क्लॉक वाइज में, इसको हटा देते हैं अब की बार भाई, क्लॉक वाइज लूप जो है हमारा दूसरा वाला लूप जो है हमारा, इसको अगर हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, अब जो राइट साइड में आपको लूप नजर आ रहा होगा, इस लूप में क्या हो रहा है भाई, करंट I1 माइनस IG किस में जा रहा है, क्यू में जा रहा है। तो लिख देंगे इन लूप, कौन सा वाला लूप, दूसरे वाले लूप का नाम क्या होगा, बी सी डी बी। ठीक है भाई, बी से लेके सी गए और सी से लेके डी गए और वापस से डी से लेके बी चले गए, इस तरीके से लूप चल रहा है। तो उस केस में मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आई वन माइनस आई जी ये किस में पास हो रहा है, क्यू में इंटू क्यू। अब ये दोबारा जब नीचे आ रहे हैं तो एस में जो पास हो रहा है आई टू प्लस आई जी, ये रिवर्स आ रहा है, तो इस केस में ये माइनस हो जाएगा, तो आई टू प्लस आई जी जो है मेरा, उसके साथ जो मैं लिखूंगा एस को लिखूंगा,
अब दोबारा जब ये ऊपर जाएंगे तो भाई आईजी ऑलरेडी जी में आ रहा है, ये भी रिवर्स आ रहा है लूप के अकॉर्डिंग, हम तो इसमें घुमा रहे हैं भाई क्लॉकवाइज इस तरीके से, हम इधर की तरफ जा रहे हैं बट हमारा जो लूप है वो घूम रहा है यहाँ पे और ये कंडीशन आ रही है उल्टा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे भी। तो आई जी इंटू जी दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन हमारी बन गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अगर हम एक बैलेंस कंडीशन की बात करें तो बैलेंस कंडीशन में हमें पता है कि ये करंट गैल्वेनोमीटर में कोई पास होगा नहीं भाई, जो गैल्वेनोमीटर में करंट होगा यानी जो आईजी होगा वो जीरो हो जाएगा। आईजी अगर जीरो हो जाएगा तो आपकी जितनी भी टर्म में आईजी आ रहा है वो आईजी तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा ये वाला आईजी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला आईजी भी जीरो हो जाएगा, ये आईजी के साथ मल्टीप्लाई ये भी जीरो हो जाएगा, अब ये जो बचा ये भी जीरो हो जाएगा, ये तो सब तो खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास जो नई नई इक्वेशंस बनेंगी, इन इक्वेशंस को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा और आगे, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे आई वन इंटू पी माइनस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन मेरे पास मिल गई मुझे। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ भाई, आई वन पी दैट इज इक्वल टू आई टू आर, एक कंडीशन मेरे पास ये मिल गई मुझे इक्वेशन यहाँ पे। दूसरी वाली इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी सेकेंड लूप से, तो यहाँ से भी इस तरीके से एक कंडीशन बन रही है आई वन इंटू क्यू माइनस आई टू इंटू एस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से भी एक कंडीशन मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी, आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू आई टू इंटू एस, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। भाई अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशंस को लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, भाई अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, भाई डिवाइड का साइन अगर यहाँ पे लग जाए तो आई वन से आई वन कट जाएगा और आई टू से आई टू कट जाएगा, तो मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी भाई, कंडीशन बनेगी आई वन पी अपॉन आई वन क्यू दैट इज इक्वल टू आई टू आर अपॉन आई टू एस, ये सब तो कैंसिल हो जाने हैं, तो मुझे यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी पी अपॉन क्यू दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एस। भाई यही जो है हमारी कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, ठीक है भाई। तो देख लिया हमने हाल ही में जो हो रहा है यहाँ पे कि भाई ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन कंडीशन हमें जो है ऑप्टेन हो रही है। तो ये हमारा डेरिवेशन है छोटा सा बैलेंस्ड कंडीशन के लिए फॉर ए व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हीट स्टोन ब्रिज एप्लीकेशन, भाई ब्रिज की एप्लीकेशन क्या क्या होने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंसेज, भाई अगर हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम है छोटा है तो उस केस में भी ये प्रिसाइज लेवल पे काम कर सकता है, बहुत अच्छे से हमें वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। सेकंड वन, व्हीट स्टोन ब्रिज एंड एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर यूज टू मेजर फिजिकल पैरामीटर सच एज टेम्परेचर लाइट और स्ट्रेन, भाई इनको फाइंड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड वन इज क्वांटिटी सच एज इम्पेडेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग वेरिएशन ऑन द व्हीट स्टोन ब्रिज, भाई ये क्या होता है इम्पेडेंस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसके लिए हमारी एसी वाली वीडियो को आप जरूर देख लेना, वो आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगी भाई, वहाँ पे हमने लाइव में डिस्कशन किया हुआ है कि भाई इम्पेडेंस और ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इस सबको ध्यान से देख लेना, एक बार वीडियो को स्विच कर लेना। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ। पॉइंट नंबर वन, फॉर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द लीड्स एंड कॉन्टैक्ट्स बिकम सिग्निफिकेंट एंड इंट्रोड्यूसेस एन एरर, भाई एरर आने लगती है अगर आप लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस ऑफ द लीड्स एंड कॉन्टैक्ट बिकम सिग्निफिकेंट, अब वहां पे क्या होगा, आपको बहुत ध्यान से उसे करना पड़ेगा तो वहां पे जो है कुछ एरर्स आ सकती हैं, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, वरना एरर तो आएंगी, थोड़ी थोड़ी बहुत एरर आ सकती है। नेक्स्ट इज फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट द मेजरमेंट प्रेजेंटेड बाय द ब्रिज इज सो लार्ज, सो उस केस में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाएगा तो वो इम्बैलेंस बन सकता है थोड़ा सा, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। नेक्स्ट द अदर ड्रॉबैक, एक और कमी क्या है इसके अंदर, कि रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू करंट्स हीटिंग इफेक्ट, भाई हीटिंग इफेक्ट से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस का थोड़ा वैल्यू आपको कम या ज्यादा मिल सकता है, उस केस में एक्सेसिव करंट में इवन कॉज ए परमानेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, भाई जब भी वायर में कोई करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा तो हीटअप हो जाएगा वो, एंड देन आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस भी हैं भाई व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ। नेक्स्ट वन भाई, क्वेश्चन है हमारे सामने एक स्क्रीन पे कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू द 5 ओम रजिस्टर, भाई आपको एक डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस केस में क्या हो रहा है भाई, करंट यहाँ से जो निकल रहा होगा 6 वोल्ट से, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
और ये करंट यहाँ पे आके वापस से, देखो जहाँ पे पिछली बार हमने डायग्राम में देखा था कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, और साथ ही साथ पी क्यू आर और एस चार हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हमारे जो है यहाँ से बनते हैं। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना है एक्स जो कि एक अननोन रेजिस्टेंस है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम इजिली कर सकते हैं भाई, यहाँ पे सिंपल आप वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन में, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे करना है भाई, फॉर्मूला हमने पीछे किया था, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू द 5 ओम रजिस्टर, मतलब हमें 5 ओम रजिस्टर में कोई करंट पास नहीं करना है भाई। करंट पास नहीं करना है तो उस केस में क्या होगा, ये एक व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन बन जाएगी। तो उस केस में एक्स पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। तो पी अपॉन क्यू, पी हमारा एक्स की जगह है, अपॉन क्यू हमारा 18 इज इक्वल टू आर की जगह 2 और एस की जगह हमारा 6। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजिली भाई। यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18 डिवाइड बाय 6, ठीक है भाई। तो 6 3 18, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 ओम रेजिस्टेंस जो है हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे व्हीटस्टोन के। इसी में क्या करना है फर्दर और आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार भाई। देखो डायग्राम जो है आपको कहीं दूर तक भी नजर नहीं आ रहा होगा व्हीटस्टोन की तरह, बट इसको व्हीटस्टोन बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बनेगा व्हीटस्टोन भाई, देखो अगर एक बार आप ध्यान से, तो जब 4 वोल्ट से यहाँ से करंट जो जा रहा होगा वो ए पे पहुंचेगा, और ए के बाद वो यहाँ पे देखो ए और बी के साथ जुड़ा हुआ है 1 ओम रजिस्टर, और नीचे वाली आर्म जो है आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे 2 ओम रजिस्टर जुड़ा हुआ है ए और डी के बीच में। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हमें ठीक करके बनाना पड़ेगा। इसको किस तरीके से बना सकते हैं भाई, अगर इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो डायग्राम किस तरीके से बन सकता है यहाँ पे भाई, ए आपको अगर यहाँ पे लगा दो आप, और आप ए और बी के बीच में यहाँ पे इसको बी मान के, और बी और सी के बीच में यहाँ से एक सी यहाँ पे लगा सकते हो आप, और ए और डी के बीच में यहाँ से आप इसको बना सकते हो इस तरीके से। डी और सी के बीच में भी यहाँ पे एक रजिस्टर लगा सकते हो भाई। बी और डी के बीच में देखो ध्यान से अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे कितने ओम का रजिस्टर लगा हुआ है भाई, 5 ओम। ए और बी के बीच में कितना लगा हुआ है, 1 ओम। बी और सी के बीच में 2 ओम। ए और डी के बीच में हमें 2 ओम, और डी और सी के बीच में हमारा 4 ओम रजिस्टेंस जो है हमारा लगा हुआ है। 4 वोल्ट की हमारी बैटरी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये जो है कैलकुलेट करना है करंट को, तो करंट को फाइंड करने के लिए पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पहले व्हीटस्टोन बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी भाई हमारा, कि पी अपॉन क्यू जो है हमारा आर अपॉन एस के इक्वल आ जाए। तो अगर हम चेक करें तो भाई 1/2 जो हमारा 2/4 के इक्वल आ रहा है क्या भाई, बिल्कुल 1/2, ये 2 1s are 2 2s are बिल्कुल बैलेंस है। इसका मतलब हमारी कंडीशन जो है आइडियल जो है हमारी कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमें नजर आ रही है। तो उस केस में क्या होगा कि 5 ओम रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं, इसको आप हटा सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप देखोगे ध्यान से तो ए और सी के बीच में सिर्फ 1 ओम और 2 ओम जो है एक सीरीज में जुड़ जाएगा। तो भाई सीरीज में हो जाएगा तो 1 और 2 ओम अगर एक साथ ऐड कर दिया जाए तो 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 3 ओम। साथ ही साथ नीचे भी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे भाई, 6 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा नीचे। अब ये हमारा ए और सी के बीच में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा भाई, 3 और 6 ओम जो है हमारा पैरेलल कनेक्ट हो गया, यहाँ पे पैरेलली कनेक्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें आर फाइंड करना है तो वो क्या होता है, R1 R2 upon R1 plus R2। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 3 into 6 upon 3 plus 6 भाई यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 6 3 18 upon 6 और 3 9। कट किया तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें भाई, 2 ओम हमारे पास जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा नजर आ रहा है हमें भाई। इसका यूज कर लो और आपका करंट आपको मिल जाएगा। हमारे पास वोल्टेज कितनी गिवन है हमें भाई, बैटरी की वोल्टेज जो दी है हमें कितनी दी हुई है, 4 वोल्टेज भाई, 4 वोल्ट दी हुई है। तो 4 वोल्ट का यूज कर लेंगे करंट फाइंड करने के लिए। आई क्या होता है हमारा, वी अपॉन आर, ओम्स लॉ हमने पहले से किया हुआ दूसरी वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट वी इज इक्वल टू आई आर, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। V इज इक्वल टू आई आर क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ। तो यहाँ से अगर मुझे करंट फाइंड करना हो I, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ V अपॉन R। V कितना दिया हमें, 4, और R कितना है हमारे पास, 2। कट किया तो यहाँ से हमारे पास 2, यानी कि आपका 2 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो भाई 2 एम्पियर का करंट जो है हमारा इस सर्किट में होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट जो है अप्लाई हो रखा है, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच में हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
और करंट्स भी फाइंड करने हैं AFCEB और AFDB इन अलग अलग ब्रांचेस में। तो भाई जिस तरीके से डायग्राम दिया उसको ध्यान से समझेंगे पहले, इसे ब्रेक करते हैं सबसे पहले, तो इसको डायग्राम को थोड़ा सही करते हैं। भाई ए और बी हमारे पास दो साइड दो पॉइंट दिए हुए हैं, लेट्स से कि हमारे पास ए पॉइंट है और यहाँ से हमने अगर ध्यान से देखा तो कुछ इस तरीके से हमारे वी टी स्टोन को बना लेते हैं जल्दी से। इस तरीके से हमने इसको बना लेना है जैसे वी टी स्टोन कंडीशन में हमें नज़र आता है। यहाँ से हमारे पास दूसरा बी कनेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास बी हो जाएगा और इसको मान लेते हैं आप एफ हो जाएगा, ये हमारे पास ये सी हो गया और यहाँ पे डी, और हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा ई। भाई एफ और सी के बीच में कितना है भाई 2 ओम, ठीक है, और एक यहाँ पे भी लगना है। सी और डी के बीच में कितना है हमारे पास 2 ओम, एफ और डी के बीच में कितना है 2 ओम, डी और ई के बीच में कितना है यहाँ पे भी 2 ओम, सब जगह हमारे पास कितना कितना रेजिस्टेंस लग रखा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है हर जगह लग रहा है। भाई बैलेंस है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान तो देने की जरूरत है ही नहीं, भाई सब कुछ तो 2 2 ओम है, तो भाई 2/2 करोगे तो भी मिलेगा और 2/2 करोगे तो भी हमें वही मिलेगा सेम, यानी कि 1:1, 1:1 जो भी आपको 1:1 मिल जाएगा, दोनों इक्वल हैं। तो भाई दोनों P/Q और R/S जो है हमारे पास ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब हमारे पास बीच में जो यहाँ पे सी और डी के बीच में कुछ भी यूज़ हो रहा है, चाहे वो गैल्वेनोमीटर हो चाहे वो कोई रेजिस्टेंस हो, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मीन्स सी और डी के बीच में जो है हमारे पास आई जो है हमारा सी और डी के बीच में 0 है, ठीक है भाई, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। अब करना क्या है, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। भाई एफ और ई के बीच में हमारे पास अगर सी से होते हुए हम जा रहे हैं तो 2 ओम और 2 ओम सीरीज में जुड़ा पड़ा है, तो भाई हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम मिलकर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 ओम, और नीचे भी 2 ओम और 2 ओम मिलकर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 ओम। भाई इस तरीके से हमारे पास ए और बी के बीच में जो है दो रेजिस्टेंस मिल जाएंगे 4 ओम 4 ओम। अभी दोनों मिलके क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल कनेक्ट है, तो भाई यहाँ से आर रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट हमारे पास बनेगा वो कितना बन जाएगा R1 R2, फिर से वही फार्मूला अपॉन R1 + R2। भाई R1 + R2 अगर हम कर देंगे यहाँ से तो हमारे पास ऊपर R1 R2 हो जाएगा 4 × 4 / 4 + 4, तो 4 × 4 = 16 अपॉन 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, कट किया तो यहाँ से कितना आएगा 2। भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है हमारे पास हमें मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। अब हो क्या रहा है, हमने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड तो कर लिया, हमारा पहला पार्ट तो फिनिश हो गया, अब हमें करंट फाइंड करना है। भाई हम देखो एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा करंट जा रहा होगा अब ऊपर वाली आर्म में, क्योंकि दोनों साइड रेजिस्टेंस इक्वल है, तो अगर हमारा ए से कुछ भी करंट निकल रहा होगा ऊपर भी 4 ओम है और नीचे भी 4 ओम है। चलिए यहाँ समझते हैं नीचे वाले डायग्राम में, भाई यहाँ से ए से ऊपर भी 4 उतना ही जाएगा करंट जितना नीचे जाएगा, तो दोनों केस में हमारे पास करंट सेम होगा, तो मतलब करंट का जो वैल्यू है वो सेम ही रहने वाला है। अब भाई अगर हम पूरा करंट फाइंड कर रहे हैं 1 एम्पियर का, अगर देखो यहाँ से मान लो अगर हम पूरा करंट फाइंड कर रहे हैं, 2 वोल्ट की बैटरी है हमारी, तो करंट अगर हम निकालें आई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास V/R, तो V कितना है हमारे पास 2 वोल्ट अपॉन 2 ही हमारे पास R इक्विवेलेंट है, इसको इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। 2 से 2 कट गया, यहाँ से 1 एम यहाँ पे मिला हमें 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का करंट अगर मान लो हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा था तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हाफ हाफ दोनों में। तो अगर मेरे से बोलता है वो करंट फाइंड करो I इसमें AFCEB, ठीक है भाई AFCEB, तो ये दोनों में जो करंट पास हो रहा है वो इक्वल होगा, AFCEB में हो चाहे वो AFDEB में हो, दोनों में मेरा करंट जो होगा सेम होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो भाई अगर मुझे करंट फाइंड करें तो करंट कितना होगा दोनों में, भाई यहाँ से अगर मैं किसी एक में भी फाइंड करना चाहूँ AFCEB तो वो हो जाएगा मेरा एक का आधा, मतलब आधा एम्पियर, ठीक है भाई, दोनों में हाफ हाफ एम्पियर जो है करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब हाफ एम्पियर का मतलब कितना हो गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से हम जो है करंट फाइंड कर सकते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में जो है इतना ही, इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं वीडी स्टोन से रिलेटेड। किरचॉफ वाले क्वेश्चन आप हमारे पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप वीडियो को इसको लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आगे भी हम इसी चैनल पे नई नई वीडियोस डालते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में जो क्लास 12th में हैं, जो क्लास 10th में हैं, उन सभी के वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।